दाताएं डीकेपी की बहु बेटियां। बदला बदला सभी का अंदाज। जब मिले रूपाली, समृद्धि, शिवांगी, अनीता और ड्रीम। इशिका शाही लेकर आ रही है इन सभी के साथ राउंड टेबल डिस्कशन डीकेपी यूट्यूब चैनल पर, जहां रूपाली, समृद्धि, शिवांगी, अनीता और रीम ये सभी साथ होंगी और होंगी ढेर सारी बातें, जानेंगे इनके बारे में अनजानी बातें इशिका शाही के इस शो में, जो आएगा डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर। भाई इशिका शाही के इस शो में नजर आएंगे ये सभी, और हम आपको बता दें कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं इसके बिहाइंड द सीन नज़ारे। बदला बदला है अनुपमा, दादी सा, अभीरा का अंदाज, और लौट कर आई है नायरा यानी कि शिवांगी, और साथ है रीम शेख। आपको बता दें कि ये सभी डीकेपी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है और आज मौका मिला है इन्हें साथ साथ आने का। सीधी सिंपल साड़ी और चोटी में रहने वाली अनुपमा यानी कि रूपाली का आज बदल गया है अंदाज। काले लिबास में, खुले बाल और मेकअप में आज वो कयामत ढा रही है, जहां उनका लुक हो गया है एकदम मॉडर्न। करते हैं दादी सा की, जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहती है, साड़ी वाले अंदाज में दिखती है, लेकिन शो से बाहर ऐसा है दादी सा यानी कि अनीता का लुक। भाई आज तो वो हो गई है एकदम मॉडर्न, और दादी सा की ही बहुरानी यानी कि अभीरा वो भी आज दिखा रही है अपना अनोखा अंदाज। कैजुअल लुक में आज अभीरा यानी कि इसी समृद्धि का लुक देखने लायक है। वेरी सेल्डम, बहुत कम होता है ऐसा कि इतने सारे लोग जो करंटली हु आर ऑन द यू नो एट द टॉप आर एक्चुअली टुगेदर, एंड थैंक्स टू डीकेपी, थैंक्स टू इशिका फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल अंडर वन रूफ, एंड वील हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन टुडे। चार तो डीकेपी यूनिवर्स की हैं, मैं इसे डीकेपी यूनिवर्स बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी अपनी एक अलग दुनिया है, और एक शो से दूसरे शो, दूसरे शो से यू नो हम आगे पीछे जाते रहते, चाहे हम कभी रिश्ता के सेट पर हों, कभी ये लोग अनुपमा के सेट पर हों, कभी हम यहाँ पर बातें के सेट पर हों, तो वी कीप गोइंग फ्रॉम ईच अदर एंड मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भूल जाते हैं एक दूसरे को। और शिवांगी तो इज़ लाइक अ परपेचुअल डीकेपी पर्सन, वो चाहे कोई भी शो कर ले वो रहेगी डीकेपी की। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक रियली थैंक्स टू इशिका जिसने हम सबको साथ में लाया है। मैं और रूपाली जी तो मतलब मैं उनको पहले से जानती हूँ, मैं रीम को पहले से इंट्रोड्यूस्ड अनुपमा, और उसके बाद हम स्क्रीन जो शेयर करने वाले हैं वो अब कर रहे हैं, और अनीता मैम को मैं मिल चुकी हूँ पहले, बट उनको जानने का मौका मुझे आज मिलेगा, सेम समृद्धि को, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
एंड ओनली इशिका कैन मेक दिस हैपन. या तो इफ्तार पार्टी में होता है, या तो फिर अगर शूट के लिए, हाँ गणपति में होता है, या तो फिर यू नो शूट के लिए प्रॉपर इशिका हैज मेड इट हैपन. आप हाँ मतलब DKP का एक यू नो बहुत फेमस है, कई साल से हम लोग सब बोलते हैं कि इट्स मोर स्ट्रिक्ट देन CBI. मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है ना, हम में से किसी को पता नहीं होता. तो अभी भी वी जस्ट कम हियर बिकॉज इशिका सेड यू हैव टू कम हियर एंड हैव फन. एंड इन अनीता जी से मिलना, सो वी हैव कम हियर टू हैव फन. और मैं ये बता दूँ कि ये मेरी पहली बार है, ऑफ कोर्स विद मीटिंग ऑल ऑफ मैट सबको मैं मिली हूँ. लेकिन जब इशिका ने बताया कि हम सब मिल रहे हैं, दिस इज गोना बी अ फन इवेंट और फन शो, तो आई थिंक रहा नहीं गया, हमने बोला व्हाई नॉट. ऑफ कोर्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल्स आई हैव मेट अर्लियर, माय डॉल, बट आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. बात करें नायरा यानी कि शिवांगी जोशी की, तो DKP प्रोडक्शन से वो काफी जुड़ी हुई है. भले ही वो दूसरा शो कर ले, लेकिन यहाँ वो लौट कर आ ही जाती है. और आज राजन शाही की बेटी इशिका शाही के शो के लिए उन्हें मिला है मौका फिर से इन सभी के साथ आने का, और वो है काफी एक्साइटेड. शेख ना सिर्फ इशिका की बचपन की दोस्त है, लेकिन वो DKP के साथ काम भी कर चुकी है, और इस शो को करने का, जिसके लिए रीम भी है काफी एक्साइटेड. आइडिया आया क्योंकि आई वॉन्टेड लाइक वेरी सक्सेसफुल टैलेंटेड हार्ड वर्किंग वुमेन विथ मी टुडे, एंड आई वॉन्टेड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन. एंड आई एम वेरी ग्लैड एक्चुअली रीम हैज कम विथ मी टुडे बिकॉज शी इज माई चाइल्ड हुड फ्रेंड. एंड इफ यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ देम आई वर्कड विद DKP, एंड यू मस्ट हैव नॉट थॉट कि रीम भी, क्योंकि रीम बहुत छोटी थी तभी, बट या बट आई थिंक आई हैव अ कम्फर्ट जोन विद ऑल ऑफ देम. एंड आई थिंक क्योंकि आई डोंट लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो आई थिंक इट्स गोना बी कम्फर्टेबल जस्ट बिकॉज दे आर देयर विद मी. सो या अभी कुछ बहुत बताएंगे नहीं हम लोग. अभी नहीं बता. एक्चुअली योर डेब्यू विद अस. या शी इज ऑलवेज शाय ऑफ द कैमरा, शी इज रनिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, और सी द कैमरा पुल्स यू बैक ऑल द टाइम एवरी टाइम. मेरा रिश्ता तो बहुत सालों से, आज से क्या 13 साल पहले मैंने काम किया था राजन सर के साथ, और उससे पहले से एक्चुअली मैं और ऋषि का दोस्त है. सो मैं आई एम लाइक द प्राउडेस्ट फ्रेंड टुडे बिकॉज 15-16 साल की दोस्ती और आज हम साथ में काम करें, लाइक शी इज़ गोना डायरेक्ट मी. सो आई मीन आई एम रियली प्राउड ऑफ हर. एंड Yeah, I'm and excited. She's not here because she worked with DKP. She's here because she's been doing such good work. And they all are here because they've been doing such good work. Even Shivangi is not here because she was a part of Ye Rishta. Even after that, she's doing such good work. So it's because of that. क्या questions इशिका हमारे पे throw करेगी और हम कैसे जवाब देंगे? और so एक दूसरे के बारे में और जानने के लिए भी मैं तो काफी excited हूँ. I would like to know everybody's thought process. एंड यहाँ पर एक्चुअली अगर पहले से क्वेश्चन दे देते ना, तब जाके हमें शौक लगता. यहाँ पर ये आदत है. ऑल्सो आई थिंक एक डिस्टिंक्ट पार्ट ये है कि वी हैव पीपल हु हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. शी इज़ बीन वर्किंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. शी इज़ कम फ्रॉम बॉलीवुड, शी इज़ नाउ वर्किंग इन टेलीविजन. शिवांगी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ TV इंडस्ट्री रूलिंग सिंस सो लॉन्ग, एंड ड्रीम हैज़ बीन अ चाइल्ड आर्टिस्ट. सो वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स हु हैव हु आर स्टिल you know ruling the TV industry and otherwise what you've been doing also for so many years. She's a voice actor. Yeah, it's come nice on. To know everyone's experiences. I'm really excited for this. तो भाई ट्रेलर ही इतना जबरदस्त है, तो सोचिए इशिका संग राउंड टेबल डिस्कशन में कितना मजा आएगा. तो आप भी हो जाइए तैयार इन सभी हसीनाओं को देखने के लिए DKP की यूट्यूब चैनल पर. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
इन लिपस्टिक्स के रंगों की तरह हम तो बिखेरते ही हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहां भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।